अस्सलामुअलैकुम जी प्यारे व्यूअर्स की हाल चाल इन मिलते रहिए तो सब ठीक ठाक हो सो खैर नाल हो सो खुश व्यवस्थित हो सो। तो आज काफ़ी अरसे के बाद जो है मैं ब्लॉग बना रही हूँ और मैं बाहर आई हूँ वीडियो बना रही हूँ। जब आप लोगों को मैंने यहाँ का विज़िट करवाया था तो उस वक्त हमारा बरसीन यानी कि चारा जो था घास वगैरह वो छोटा छोटा था। तो आज आप देख सकते हैं व्यूअर्स के इतना चारा जो है वो काटा भी जा चुका है और जानवर उसको ख़त्म कर चुके हैं। तो आज मैं बाहर आई हूँ, उसकी वजह ये है वीवो इसके माजर के साथ मेरा थोड़ा गला भी ख़राब है और मेरे बाबा की तबीयत ख़राब थी जिसकी वजह से मैं यहाँ से जो है वो गई हुई थी अपने बाबा के पास। और अफसोस कि मेरे बाबा बच्चे भी नहीं और उनकी डेथ हो गई है, तो इस वजह से जो है मैं वीडियो भी अपलोड नहीं कर सकी और ना ही मैं अपने काम को आगे कंटिन्यू कर सकती हूँ। तो आज मैं आई हूँ अपने घर और मैंने सोचा कि अपने व्यूअर्स के साथ मैं छोटा सा व्लॉग बना के शेयर कर लूँ। आई होप कि मेरे व्लॉग आप लोगों को अच्छे लगते होंगे। अगर मेरे व्लॉग आप लोगों को अच्छे लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें, मेरे चैनल को हर कोई इनको सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ में घंटी का आइकन ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती रहे जो कि बिल्कुल फ्री है। तो आप आज देखें व्यूवर्स के हर तरफ जो है वो हरियाली हरियाली है और जब मैं यहाँ से गई थी तो उस वक्त बहुत ही कम जो है वो छोटे छोटे चारा था बरसीम का। और अभी जो है वो गन्ने की काश्त का मरला भी शुरू हो चुका है क्योंकि इन दिनों में जो है वो गन्ने को काश्त किया जाता है, साथ में गंदम को भी काश्त किया जाता है। इकट्ठा गन्ने और गंदम को इकट्ठा जो है वो काश्त किया जाता है और उसमें दो फायदे होते हैं, पहले गंदम की कटाई हो जाती है और बाद में व्यूअर्स हमारा गन्ना भी तैयार हो जाता है। यहाँ लोगों का ये बहुत बड़ा है, कुछ लोग उसमें गंदम काश्त करते हैं, कुछ लोग जो है वो कैनोला यानी कि सरसों वगैरह जिसे हम ऑयल वगैरह निकलता है जो कि इस्तेमाल में आता है। तो ये दो चीज़ें गन्ने के साथ जो नया गन्ना होता है, जो नया गन्ना लगाया जाता है, नई गन्ने की फसल, उसमें ये दो चीज़ें काश्त की जाती हैं। अदरवाइज जो पुराना आ रहा होता है जिसको बार बार उगाया जाता है उसमें ये प्रोसेस नहीं होता। तो व्यूअर्स चलते हैं घर की तरफ। आज जो है वो आगे लोगों ने सरसों का जो है वो साग बनाया हुआ है तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी क्योंकि मैं कल आई थी तो आज इन्होंने कहा है कि जी हम साग बनाएंगे और वो भी मेरी फरमाइश से बना है। तो चलते हैं घर की तरफ। ये आज हमने बनाया है साग और साग आप देख सकते हैं व्यूअर्स सरसों का साग, उसमें डाली हमने देसी पालक और उसको लगाया जी थोम का तड़का और आप देख सकते हैं कितना मज़े का जो है वो साग बनकर तैयार होता है और इसमें हम सुबह जो है वो मक्खन डाल के खाते हैं और ये हमारे गांव की सौगात होती है एक तरह से। और इन दिनों में ये साग जो है बकसरत हम बना के खाते हैं। बाजरे की रोटी आप देख सकते हैं कि बाजरे की रोटी थोड़ी इस कलर में होती है जैसे कि आप देख सकते हैं और साग के साथ अमूमन हम बाजरे की रोटी बनाते हैं, बहुत ही मज़े की होती है। और साथ में लस्सी, तो आप खुद इमेजिन करें कि साथ में लस्सी, साग में मक्खन, बाजरे की रोटी, तो उसके मज़े को जो है वो दुबाला कर देती है। वैसे ना अमूमन तो ये समझा जाता है कि साग और मकई की रोटी, लेकिन बाजरे की रोटी भी बहुत ही ज़बरदस्त सवाद करती है साग के साथ। तो इसको मैं टेस्ट करती हूँ फिर आप लोगों से मिलती हूँ। बहुत ही मज़ेदार मक्खियाँ क्या मिलते मुझे। तो व्यूवर्स सरसों का साग और बाजरे की रोटी बहुत ही मज़े की लगी है तो मैंने उसको जो है थोड़ा सा खाया है और उसके बाद चलते हैं व्यूवर्स अपने घर और वहाँ जाके फिर मैं आप लोगों को अपनी सब्ज़ी का विज़िट भी कराती हूँ कि सब्ज़ी कितनी बड़ी होगी ये 5-6 दिनों में और इतनी आप देख के खुद अंदाज़ा लगा लें। पिछले व्लॉग में भी मैं शेयर करती रही हूँ वीडियो, लेकिन अभी मैं जाके आप लोगों को दिखाती हूँ कि कितनी देखते ही देखते मेरी सब्ज़ी जो है वो बड़ी हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं व्यूवर्स ये गाजर है और आप देख लें, पहले भी मैंने आपको चेक करवाया था ये गाजर है, गाजरों की क्यारी है और ये शलजम है। तो आज मैंने मूली और शलजम वगैरह खाए भी हैं निकाल के, बहुत ही ज़बरदस्त थे। और आप देख सकते हैं ये सारे शलजम है और ये मेथी है और साथ में बैंगन की जड़ें जो हैं वो उन्होंने ग्रो किया है क्योंकि मैंने काट दिए थे और फिर उन पे फल लगा है। व्यूअर्स आप देखें मज़े के बैंगन भी लगे हुए हैं और कद्दू भी लगे हुए हैं, कद्दू की बेलें भी दो मेरे पास थी जिनको मैंने बचा लिया था काटने से, तो उन पे भी ये आलू है और ये व्यूअर्स मेथी है और साथ में मैंने दोबारा फिर पालक काश्त की है।
तो ये मेरी पालक की क्यारी यहाँ आज इधर से काट के हमने साग भी बनाया है और बाकी पालक भी वैसे की वैसी है। साथ में सौंफ आपको नज़र आ रहे होंगे और व्यूवर्स ये हैं धनिया, सब्ज़ धनिया और इनकी क्यारी है। तो आप खुद देख लें कि थोड़ी सी मेहनत करने से हमें कितनी ज़्यादा सब्ज़ी जो है वो हासिल होती है। तो ये ताबीर जो है वो खा रही है जी चिप्स, ताबीर जो है वो चिप्स खा रही है। और अभी हम जो है आज मैंने सारा दिन मशीन लगाई थी क्योंकि मैं घर में नहीं थी, तो कपड़े बहुत ज़्यादा बच्चों के ख़राब हो गए थे, बड़ों के बच्चों के। तो अभी हम इनको उतार लेते हैं जो सूख चुके हैं, जो नहीं सूखे हैं उनको फिर कल वाली धूप लगवा लेंगे और फिर उनको खुश कर लेंगे। आज भी बड़ी सारा दिन मशीन लगाई है और ये सारे कपड़े धोए हैं। और अभी मैं वहाँ पे गई थी क्योंकि मेरी तबीयत भी थोड़ी आज ख़राब है। तो व्यूअर्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।